गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे वाला अच्छे हो। और मधु राशि ब्लॉग में आपका वेलकम है। मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज रहे हैं और मतलब नाश्ता हस्बैंड कर चुके हैं। नाश्ते में वो लेते हैं मूंग चना और लोबिया, ये सब मतलब दो तीन तरह के जो चीजें हैं वो भिगो देती हूँ, तो अंकुरित जब हो जाता है तब वो लेते हैं, टमाटर प्याज ये सब डाल के। फिर उसके बाद वो देने के बाद फिर भिंडी की भुजिया आप जा रही हो बनाने, आज कुछ मसालेदार या कुछ बिल्कुल सिंपल खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ भी मसाला आज मन नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी आज बनाऊंगी मैं लंच, भिंडी की भुजिया और दही वाले चावल। दही वाले चावल जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर सिंपल, जब भी बहुत सिंपल खाना खाना हो आपको, कुछ भी मिर्ची तेल मसाला नहीं मन हो कुछ खाने का और कुछ अलग भी खाना हो तो ये सही है, दही और चावल। ये कैसे बनाऊंगी मैं ये आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और अभी फिलहाल बन रही है चाय, बना रही हूँ चाय। चाय के साथ साथ है इधर चढ़ा रखी हूँ, ये बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। चाय छान लेती हूँ, चाय हमारी बन गई है। अभी इधर चढ़ा दिया है भिंडी की भुजिया, और ये जो चावल बना रही हूँ मैं, इसे आपको बहुत बेनिफिट तो जरूर मिलेंगे। जैसे पेट में कभी कभी हीट सा महसूस होता है कि मुझे कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा हो ये, तो और जब जैसे पेट खराब हो उसमें आप ये ले सकते हो, बहुत फायदा करेगा आपको। ये जो है पेट की तासीर को ठंडा रखता है और पेट खराब में फिर पेट खराब भी आराम भी लगता है पेट में और पेट खराब ठीक भी हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई मुझे बहुत ही सिंपल सा खाना खाना है जो मेरे पेट को अच्छा लगे, मुँह को अच्छा लगे, पेट को अच्छा लगे, तो बहुत अच्छा बनेगा, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है ये दही वाले चावल। तो बस आज मैं यही बनाऊंगी सिंपल सा। अब आई मैं चाय पीने, आइए आप सभी चाय पीते हैं, उसके बाद बनाऊंगी चावल। थोड़ा सा चाय पी के टीवी देख रही हूँ, 10-15 मिनट में चाय पीते हुए टीवी देखती हूँ, इन्जॉय करती हूँ, चाय का आनंद लेती हूँ। तो अभी फिर वही चाय पी रही थी। और ये मैंने एक गिलास चावल लिया है, हमारा एक गिलास चावल में 3-4 दिनों का हो जाएगा, तो एक गिलास चावल अभी इसको करती हूँ मैं वॉश। चावल को मैंने वॉश कर रख दिया है और इधर मैं ये देखिए इसको उबालना है चावल को, चावल को उबाल लूंगी, जब ये पानी खोल जाएगा फिर इसमें चावल डाल दूंगी। बाउल में मैंने दही ले लिया है, अब इसको अच्छी तरह इससे फेंटूंगी और इसमें डालूंगी मैं चीनी। चीनी का अपना बैलेंस बना के चलना है कि चीनी आप कितना मीठा खाते हो, तो मैं इसमें डालूंगी, 2 जने का है तो इसमें डालूंगी मैं 4 चम्मच, 3-4 चम्मच चीनी डाल दिया। अब इसको फिर फेंटूंगी अच्छे से। अब चीनी घुल गया है, अपने ये याद रखें कि चीनी का बैलेंस इसमें ना मीठा हो और मतलब लाइट एकदम मीठा हो, ऐसा बैलेंस बना के चलना है। मैंने अपने दही के अकॉर्डिंग मैंने डाला था, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं सफ़ेद नमक,
मैंने चावल में भी नमक डाला हुआ है, उबले हुए चावल में भी मैंने नमक डाला था, तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। ये डाल दिया, अब इसमें डालूंगी मैं चावल। अब ये है हमारा उबला हुआ चावल, मैंने एक गिलास उबाला था, हमारा हो जाएगा तीन जनों का। अब इसमें मैं ये ऐड करूंगी दही, दही ऐड कर दिया। अब ये हमारा देखो, देखिए आप कंसिस्टेंसी कितना अच्छा ये बना है। अब मैं चख के बताती हूँ, बहुत टेस्टी बना है। और इसको आपने कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। ये प्लेट में डाला, मैं अभी थोड़ा ही सर्व कर रही हूँ और फिर इसमें ऊपर से डालूंगी थोड़ी सी दही की कंसिस्टेंसी, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा पुदीना धनिया का पत्ता सर्व करने के लिए डाल सकते हो।